खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पेपर लीक के मामले में पत्रकारों से लेकर राजनीति पार्टियां तक लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और धरना का आज पांचवा दिन है। उसी क्रम में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी तीन पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों के समर्थन में बलिया पहुंचे, जहां बलिया डीएम कार्यालय के सामने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विशाल धरना प्रदर्शन किया। और अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रताड़ित किया जाता है, सच को दबाने का काम किया जा रहा है। यहां परंपरा बनती जा रही है, सरकार अपने तानाशाही रवैयों को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही है। पत्रकार साथियों ने सच को लिखा, इसलिए उन तीन पत्रकारों को जेल भेज दिया। जो बोले उसे कुचल दो, जेल भेज दो, संविधान को बचाने के लिए चाहे लाठी खाना पड़े। आज कांग्रेस पार्टी का एक दल तीन पत्रकारों के परिजनों से मिले हैं और परिजनों को आश्वासन दिया है कि जब तक आपको तीनों पत्रकारों को रिहा नहीं करा लेते तब तक आपके साथ खड़ी रहेगी। देखिए बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। क्या मामला है? देखिए मैं पिछले दिनों आया था और उन तीन परिवार के बीच में गया था जो हमारे पत्रकार साथिया जेल में, और मैंने उनके परिवार को भरोसा दिलाया था कि कांग्रेस पार्टी आपके न्याय की लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पर संघर्ष करेगी, आपकी आवाज को दबने नहीं देगी, और जब तक तीनों पत्रकार साथी रिहा नहीं हो जाते हम संघर्ष को जारी रखेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रताड़ित किया जा रहा है, सच को दबाने का काम किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यह नई घटना नहीं है, ये परंपरा बनती जा रही है। सरकार अपने तानाशाही रवैये को पूरी तरह प्रदर्शित कर रही है। योगी जी जब पहली बार मिर्जापुर में नमक रोटी के सवाल को एक पत्रकार ने उठाया था, उस समय भी आपके सरकार के अधिकारियों ने उन्हें जेल भेज दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो मिड डे मील की सच्चाई को उन्होंने दिखाया था। आगरा के एक पत्रकार चुनाव के तत्काल बाद बिना किसी कारण उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखकर आपकी सरकार ने जेल भेज दिया। वही स्थिति बलिया में, संस्कृत का पेपर आउट हुआ 10 का, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आपने संज्ञान नहीं लिया। इंटर के अंग्रेजी पेपर आउट हुए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पत्रकार साथियों ने सच को लिखा, इसलिए उन तीन पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। क्या यही आपका जीरो टॉलरेंस है? जो बोले उसे कुचल दो, मार दो, मुकदमा लिख दो, जेल भेज दो। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ खड़ी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चाहे लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा। आज हम धरने के माध्यम से अभी एसडीएम को, हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और एक समय सीमा हम लोगों ने तय की है, 12 तारीख के बाद एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत पूरे प्रदेश में होगी। सरकार को इन तीनों पत्रकारों को रिहा करना पड़ेगा।